केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को यस बैंक के जमाकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि उनकी पूंजी पूरी तरह सुरक्षित है और वह किसी प्रकार की चिंता नहीं करें। उच्चतम न्यायालय ने अपने खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर से संबंधित मामले में सुनवाई 15 अप्रैल तक के लिए शुक्रवार को स्थगित कर दी। दिल्ली में हिंसा पर चर्चा कराने तथा गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद में लगातार पांचवें दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बना रहा और विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदन की कार्यवाही बुधवार तक स्थगित करनी पड़ी। कर्नाटक के तुमकुरु जिले में कुनिगल तालुक के बिलाडाकेरे गांव के पास शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। देश को दहला देने वाले निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले के गुनाहगार मुकेश के भाई सुरेश की ओर से उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार को एक याचिका दायर की गई। दुनिया भर में फैले खतरनाक कोरोना वायरस के चलते दिल्ली की करणी सिंह शूटिंग रेंज में 15 से 26 मार्च तक होने वाले निशानेबाजी विश्व कप राइफल पिस्टल और शॉटगन को स्थगित कर दिया गया और अब इसका आयोजन दो हिस्सों में मई और जून में किया जाएगा। कोरोना वायरस से दुनिया के 17 देशों में अब तक 3,378 लोगों की मौत, कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या 1,00,000 के पार पहुंची। मांसाहार से कोरोना वायरस के फैलने की अफवाह से देश के पोल्ट्री मीट और मत्स्य उद्योग को भारी नुकसान हुआ है और इससे करीब 10 करोड़ लोगों के रोजगार प्रभावित हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर के निर्माण में सहयोगी बनने को आतुर एक मुस्लिम परिवार घर की खुदाई में मिले राम परिवार के बेशकीमती सिक्के को दान देना चाहता है। मध्य प्रदेश में जारी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच आज आईफा अवार्ड समारोह को फिलहाल टाल देने की घोषणा की गई है। यह समारोह इंदौर में इस माह के अंतिम सप्ताह में होने वाला था।